हेलो बच्चों, आज हम लोग सदिशों के घटाने के उपरांत सापेक्षिक वेग या अपेक्षिक वेग के बारे में पढ़ेंगे कि सापेक्ष वेग या अपेक्षिक वेग क्या होता है। जब दो वस्तु भिन्न वेग से चल रहे हों तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग निकालने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे यहाँ सीखेंगे और मेन जो इसका जो बेसिक्स है वो यही है कि जब दो सदिशों का घटाना सीख गए हैं तो फिर दो वस्तुओं के जो वेग हैं, वस्तु ए और वस्तु बी, इनके वेग अगर मालूम है तो हम वस्तु बी का ए के सापेक्ष और वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए चित्र कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका परिमाण और दिशा निकाली जाती है, ये हम लोग अब वीडियो में देखेंगे। गुड लक बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे होंगे। कल हमने आपको सदिशों का घटना बताया था, आज आपको रिलेटिव वेलोसिटी अपेक्षिक वेग के बारे में बताएंगे। तो यदि दो वस्तुएं ए व बी के वेग क्रमशः वी ए, ऊपर एरो लगा लेंगे, तथा वी बी हूँ, तो ये देखिए एक वस्तु ये वी ए है, ये एक वस्तु आपका वी बी है, इनके बीच का एंगल ये आपका थीटा है। अब इनका अपेक्षिक वेग निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सापेक्ष वेग ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज वी ए माइनस वी बी। तो माइनस वेक्टर के लिए इस वी ए से वी बी से वी ए को मिला देंगे, यही आपका वी ए बी वेक्टर होगा और ये मान लीजिए ए के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये आपने चित्र में दिखा दिया कि किस प्रकार वी ए और वी बी वेक्टर अगर आपको मालूम है तो आप वी ए बी वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग ज्ञात कर सकते हैं वी ए माइनस वी बी से। तो चलिए अब वी ए बी का परिमाण कैसे ज्ञात होगा? तो वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कल बताया था मैंने आपको, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए इंटू वी बी इंटू कॉस थीटा, उनके बीच का एंगल, ये आपका उनके बीच का परिमाण का फार्मूला हो जाएगा। पुनः यदि वी ए बी का वेग वी ए के साथ कोण थीटा हो तो, या थीटा तो पहले मान चुके हैं, अल्फा, इसको हम अल्फा मान रहे हैं, अल्फा हो तो टैन अल्फा बराबर, कैसे कहा था आपको, जिसके साथ एंगल नहीं लिया गया अर्थात वी बी, वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अल्फा निकालने के लिए टैन इनवर्स वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, इस फार्मूले से हम दिशा भी वी ए बी की ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाण कैसे निकलना है, दिशा कैसे निकलनी है,
इस बात को आप आसानी समझ गए होंगे चित्र कैसे बनाना है। और इसी प्रकार अगर आपको वी ए बी के बजाय, अब ये देखिए पुनः आपका ये सदिश वी ए हो गया, ये आपका सदिश वी बी हो गया, बीच का एंगल थीटा हो गया, अब आप वी बी ए निकाल रहे हैं, मतलब वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष वेग। तो वी बी ए जो होगा वो ए से बी को मिलाया है आपने, देख रहे होंगे ये, और बी के साथ ये एंगल अल्फा, ये निकालने पर हम विचार करेंगे। तो वी बी ए क्या हो जाएगा, वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए, ये क्लियर हो गया आपको। अब ज़रा ध्यान देंगे, अब वी बी ए का परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, तो वी बी ए अंडर रूट, जैसे अपने समांतर चतुर्भुज नियम में चलाते हैं, त्रिभुज नियम में चलाते हैं, इसके पहले भी आप ये चीज़ें कर चुके हैं, सेम वही पैटर्न लेकर चल रहे हैं, तो दैट इज वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा। ये सेम देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है, चाहे वी ए बी निकालिए चाहे वी बी ए निकालिए, अंतर आता है तो केवल डायरेक्शन में अंतर आता है और फिगर में अंतर आ जाता है। वी ए बी पाने के लिए ए का सापेक्ष वेग, वी के रूप में निकालने के लिए वी के सापेक्ष निकालने के लिए तो बी से ए मिलाते हैं, जबकि अगर बी का ए के सापेक्ष निकालना है वी बी ए तो ए से बी को मिलाते हैं। तो चलिए, यदि वी बी ए का वेग वी बी से कोण अल्फा हो तो टैन अल्फा इज इक्वल टू, आपकी दूसरा जिससे जिसके साथ एंगल नहीं लिए हैं, या देखिए ए के साथ बी के साथ लिए हुए हैं तो एक लिखना है, वी ए साइन थीटा अपॉन वी बी माइनस वी ए कॉस थीटा, तो अल्फा इज बिकम्स टैन इनवर्स वी ए साइन थीटा अपॉन वी बी माइनस वी ए कॉस थीटा। तो ये आपका आप देख लिए होंगे कि वस्तु बी का ए के सापेक्ष वेग, ऐसे ही वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग, दोनों के लिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, दो कारों के लिए, दो ट्रेनों के लिए, तो सापेक्ष वेग कैसे हल करते हैं ये फिगर बना करके, जो वेक्टरों का घटाना था सेम वैसे ही आप इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। गुड लक बच्चों, अभ्यास करिए, जहाँ समस्या आए ज़रूर बताइए।